सो हेलो एवरी वन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग की टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस चल रही हैं एंड बिकॉज इट इज अ वंडरफुल मॉर्निंग वी आर गोइंग टू रिज्यूम अवर टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज। हम लोग ने टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। हम लोग करंटली कर रहे थे हमारे स्टूडेंट की लाइफ की या चाइल्ड डेवलपमेंटल थ्योरीज, जहाँ पे हम लोग ने कई सारे थ्योरिस्ट के बारे में देखा जो मॉरल एंड कॉग्निटिव लेवल के बारे में बात करते हैं। हम लोग ने हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को भी देखा है। आज की जो हमारी थ्योरी है वो थोड़ी सी अलग है, जो कॉग्निटिव लेवल मतलब दिमाग के लेवल पे बात ना करके आपके सोशियो लेवल पे काम करेगी कि कैसे सोसाइटी का एंड हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल पड़ता है हमारे एक बच्चे पर नई लर्निंग को सीखने में। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट आई वुड हाईली रिकमेंड यू पीपल टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल इफ यू वॉन्ट इंस्टेंट नोटिफिकेशन एंड डायरेक्ट लिंक टू एनी ऑफ माई वीडियोज। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल नो my teaching style, I take very less time of yours and in that less time I deliver you a lot of content and a lot of questions which is very fruitful to your students. aap bachcho ke kai sare messages aate hain and I feel really really overwhelmed ki meri ye series aapko madad kar rahi hai. to aaj ki hamari jo series hai usme jo hamara topic hai as I told you wo hum log ki ek socio cultural theory hai. ye theory aapki di thi Vygotsky ne and is theory ka dusra naam hai constructivist थ्योरी। अब कंस्ट्रक्टिविज्म अपने आप में ही एक इज्म है जिसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। इसके अंदर बहुत दो एक ऐसे टॉपिक आते हैं जो कि है आपका ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, देन वी हैव स्कैफोल्डिंग जो दोनों ही इंटररिलेटेड हैं और इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सम दीज आर दोस टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि हम लोग ने Vygotsky का नाम लिया है तो ये आप लोग के सामने थोड़ा सा लिखा हुआ है कि लेव Vygotsky की ये हमारी थ्योरी है। ये एक रशियन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को दिया है। एक इंसान की पर्सनालिटी या फिर पूरी बुद्धि का डेवलपमेंट जो होता है वो हम लोग मानते हैं कि सिर्फ बौद्धिक लेवल पे होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे थ्योरिस्ट हमारे हुए हैं जो बहुत सारे और पैरामीटर्स को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि वो जरूरी होता है एक इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जैसा कि जैसे वर्ड्स होते हैं सोशियो मतलब कि आपका सोसाइटी वाला सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। कल्चरल एक आपका सेक्शन आ जाएगा। व्हेन आई से सोशियो तो सोसाइटी से ही सिर्फ उसका मतलब नहीं होता है, वो हर चीज से या हर इंसान से जो हमारे चारों तरफ है, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे कजन्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी टीचर्स, हमारे स्कूल के बाकी सारे जितने भी लोग होते हैं एंड हमारे रिलेटिव्स, जितने भी लोग हमारे चारों तरफ होते हैं बेटा, वो हमारी सोसाइटी, हमारी उसका सोशियो कंडीशन का पार्ट बन जाते हैं। वहीं पे अगर हम लोग कल्चरल की बात करें तो कल्चर एक वो चीज होती है, वो सभ्यता होती है या फिर वो तौर तरीके होते हैं जिसमें हमारा जन्म होता है। हर बच्चा अलग अलग कल्चर को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जब हम लोग सोसाइटी एंड कल्चर को मिक्स कर देते हैं तो हम लोग का सोशियो कल्चरल थिंग बन जाता है। एंड आपके लेव Vygotsky ये बताते हैं कि थ्रू अदर्स वी बिकम अवर सेल्फ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेट मी यूज अ वेरी lighter color of pen so that you all can see. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि through others we become ourselves. दूसरों के जरिए हम लोग वो बन पाते हैं जो हम लोग हैं। कई सारे ऐसे थ्योरिस्ट है बेटा जो सिर्फ आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि हम लोग हार्वर्ड गार्डनर को भी देखते हैं कि उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। आपके Vygotsky थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले जाते हैं एंड उनका ये मानना है कि सोसाइटी से कनेक्शन रखना, सोसाइटी से इंटरकनेक्टेड रहना, आपकी भाषा, आपका कल्चर, ये ड्राइविंग फोर्स है एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए एंड इनको आपके कॉग्निटिव लेवल से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। So, इसी बात से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थोड़ा डेप्थ में जाके कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है वो क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी क्या है, देन Vygotsky की थ्योरी अलग से क्या कहती है एंड कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के हम लोग जैसे ही बेटा बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी का मतलब एक ऐसी सीखने की थ्योरी है जो ये बोलता है कि लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज
and understanding of the world based on their experiences, interactions and observations. माने कि बहुत सीधी सी बात यहाँ पे बोली है कि कोई भी आपका लर्नर है, एक छोटा बच्चा है, वो जो ज्ञान प्राप्त करता है वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे करता है, लोगों से जो उसका इंटरेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे करता है एंड ऑब्जर्व करके करता है. एंड आप सब लोग इस बात को मानेंगे भी, हम लोग अपनी चारों तरफ की दुनिया में एक बच्चे को सिर्फ जो मुंह से बोल बोल के सिखाते हैं, क्या वो सिर्फ उतना ही सीखता है या फिर वो उससे भी कहीं ज्यादा सीखता है? सबसे पहले तो चीज वो करता ही है कि ऑब्जर्व करता है, अपने पेरेंट्स को क्या करता है वो देख के सीखता है, नकल मारता है उनकी, ठीक है. एंड दूसरी बात, उनसे इंटरैक्ट करके सीखता है, टीवी में कुछ देख के सीखता है. मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं भी सिखाई जाती हैं तो भी आपको आ जाती है. कैसे? आपकी सोसाइटी की वजह से. सोसाइटी को ये मत समझना जैसे गोकुलधाम सोसाइटी, आपकी एक पूरी कम्युनिटी, आपके ओवरऑल लोग जितने भी आपके आसपास हैं, ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट टू बिहेवियरिज्म, ध्यान देना इस पॉइंट को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पेशली लिटरेचर वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से इससे रिलेट कर पाएंगे. ये एग्जांपल मैंने पहले भी कई बार लिया हुआ है कि नियो क्लासिसिज्म, जैसे आपके नियो क्लासिसिस थे वो आपके रोमांटिक्स की थ्योरी को पसंद नहीं करते थे, या रोमांटिक्स को स्पेसिफिकली बोले तो वो नियो क्लासिसिज्म के स्ट्रिक्ट रूल्स को पसंद नहीं करते थे और रिजेक्ट करते थे. सेम यही चीज यहाँ पे हो रही है कि हमारे जो बिहेवियरिस्ट है, ठीक है, बिहेवियरिस्ट, ओके, जो हमारे बिहेवियरिस्ट हैं वो कौन है? सबसे पहले तो दो इंपॉर्टेंट नाम हम लोग लेंगे. एक है हमारे थॉर्नडाइक, जिनके बारे में हम लोग ने एक वीडियो में बात भी की थी. दूसरे हैं हमारे स्किनर. एक हमारे आगे जाके बन जाते हैं कोहलर भी आते हैं, ठीक है. कोहलर की भी एक थ्योरी है, वो हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे. तो ये सारे जो आपके थ्योरिस्ट हैं, ये आपके क्या माने जाते हैं? बिहेवियरिस्ट. बिहेवियरिस्ट क्यों इनको कहा जाता है? क्योंकि ये काम करते हैं बिहेवियरिज्म के ऊपर, रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस एंड रिस्पांस के ऊपर. अगर आपने वो कुत्ते वाली, अगर आपको मेरी क्लास याद है कुत्ते वाली और रैट वाली, यहाँ पे लोग कहते हैं कि स्टिमुलस एंड रिस्पांस के अकॉर्डिंग एक इंसान सब कुछ सीख जाता है. मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, उसको जो कुछ सिखाओ उसको बताओ, उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर बदल जाता है और वो चीजें सीख जाता है. यहीं पे आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, अपोज करते हैं आपकी बिहेवियरिस्ट थ्योरी को और कहते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू बिहेवियरिज्म व्हिच एम्फसाइजेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट इन शेपिंग बिहेवियर, कंस्ट्रक्टिविज्म फोकस ऑन द लर्नर्स इंटरनल प्रोसेसेस ऑफ सेंस मेकिंग एंड मीनिंग मेकिंग. हम लोग के कॉन्वेंट स्कूल से आई बिलोंग, एंड वहां पे बोला जाता था कि लड़कियां ना काजल नहीं लगा के आएंगी, एंड कोई लड़की लगा के आती थी तो उसको बड़ी डांट पड़ती थी कि आर यू ट्राइंग टू अट्रैक्ट द बॉयज, यू आर नॉट कमिंग फॉर अ पार्टी एंड यू डू नॉट हैव टू अप्लाई काजल, या फिर थोड़ी सी भी आपके बाल या फ्लिक्स निकल के आते थे तो हम लोग को बहुत ही ह्यूमिलिएट किया जाता था, गलत गलत बातें बोली जाती थी. एंड वहीं बॉयज थोड़ी सी उनकी टाई नीचे हो जाती थी या वो जेल लगा के आते थे. तो ये कंडीशनिंग करना, उनको पनिश करना और पनिशमेंट के जरिए उनको सिखाना कि तुम जो कर रहे हो ये गलत है, उससे उस बच्चे की लर्निंग हो जाएगी, ये मानना है आपके बिहेवियरिस्ट का. इसी के उल्टा आपके जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं वो कहते हैं कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से करके देख सकता है कि भाई मैं अगर काजल भी लगा के आ रही हूँ तब भी बॉयज मुझसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं. आई एम, मजाक है ये, लेकिन एक सेंस वाली बात है. हम लोग को स्कूल में, हमारे इंडियन सोसाइटी में कई सारी चीजों को लेके टोका जाता है, रोका जाता है, बच्चे को खुला नहीं छोड़ा जाता है कि वो उस चीज को खुद से करके देखे, सेंस निकाले, अपने एक्सपीरियंस से सोचे. तो लेव वाइगोट्स की जो थ्योरी है वो यही कहता है कि हर बच्चा अपने एक्सपीरियंस, अपने ऑब्जर्वेशन और सोसाइटी से किए हुए इंटरेक्शन के जरिए सीख सकता है, उसके ऊपर आपको कंडीशनिंग करने की जरूरत नहीं है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. कंस्ट्रक्टिविज्म जो इज्म है वो इसी थ्योरी पे काम करता है. तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो देखते हैं थ्योरी क्या कहती है. ये थ्योरी कहती है कि नॉलेज इज नॉट समथिंग दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स बट रैदर एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर. वही बात जो हम लोग ने अभी देखी कि कंडीशनिंग के थ्रू हम लोग जानबूझ के इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी बच्चे को एक लर्निंग टूवर्ड्स. कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं कि भाई तुम अब ज्यादा दिमाग ना खराब करो, बच्चा अपने आप ही एक्टिवली आपके सोसाइटी से इंटरैक्ट करके किसी भी बात को लर्न कर लेगा, समझ जाएगा. दूसरा पॉइंट, द लर्नर प्लेज एन एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस. आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में जहां पे बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग वाली कॉन्सेप्ट पे छोड़ दिया जाता है, वहां पे बच्चे का ज्यादा रोल होता है. बिहेवियरिस्ट थ्योरी में आपके टीचर का या इंस्ट्रक्टर का रोल ज्यादा एक्टिव हो जाएगा क्योंकि वो आपको ज्ञान बांट रहा है कि ये सही है और ये गलत है.
कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी रिफ्लेक्शन एंड नेगोशिएशन। हमारा जो बच्चा है वो इंक्वायरी करेगा, सवाल करेगा, उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, नेगोशिएट करेगा कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, तो उसकी लर्निंग अपने आप हो जाएगी। ऐसी लर्निंग, थोड़ी सी लर्निंग बाय डूइंग भी आपकी कहलाती है कि करके सीखना। आई गेव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंडियन पेरेंट्स एंड वेस्टर्न पेरेंट्स की। आपके जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो कंडीशनिंग करते हैं कि ये चीजें गलत है, ये चीजें तुम्हें नहीं करनी है। वेस्टर्न पेरेंट्स में कहते हैं कि भैया तुम करके सीखो, तुम्हें कीड़ा काटे, तुम आग से खेलो, तुम छुरी से खेलो, तुम नीचे गिर जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। लर्निंग बाय डूइंग वो लोग कराते हैं, उनकी थोड़ी सी फ्री थिंकिंग एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है। ठीक है, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट थ्रू इंटरैक्शंस विद पीयर्स, टीचर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, विच इज रिफ्लेक्टेड इन द यूज ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज सच एज ग्रुप वर्क, पीयर ट्यूटरिंग एंड डिस्कशंस। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना, ये इस बात में दम तो है कि आप अपनी सोसाइटी में अगर बहुत एक्टिव हो, बाहर निकलते हो, लोगों से बात करते हो, तो आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही अलग होता है। हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या कहते हैं, रोकते हैं कि भैया गलत संगत में ना पड़ जाए, क्योंकि गलत संगत में फिर जो लर्निंग होगी तो वो कुछ और ही बाहर निकलेगी, जो ये डर हमेशा रहता है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है साइकोलॉजिकली एंड सारे साइकोलॉजिस्ट के थ्रू कि जब बच्चा करके खुद से देखता है, वो उस गड्ढे में खुद गिरता है, तो उसकी जो लर्निंग होती है वो कंडीशनिंग वाली लर्निंग से कहीं ज्यादा बेटर होती है। आई होप आप सब लोग इस बात को मान भी रहे होंगे, या आप में से कुछ से बच्चे होंगे जो बिहेवियरिस्ट को ही पसंद करते होंगे। सबका अपना अपना ओपिनियन है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीवन। हम लोग थ्योरीज को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग के कुछ अगर ऐसे ओपिनियन हो तो जरूर से आप लोग नीचे लिख के जाया करो। सिर्फ स्टूडेंट की तरह आप लोग रिसीव करोगे तो थोड़ा सा पैसिव हो जाएगा। आप लोग को जो भी लगता है अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, आई एम श्योर आप सब लोग के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, तो आप लोग जरूर से लिखना कि आप लोग कौन सी थ्योरी को प्रेफर करोगे जब आप पेरेंट्स बन जाओगे, या आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वाइगोट्स्की की इस थ्योरी के बारे में, जो कि बोलती है कि वाइगोट्स्कीज कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी इज आल्सो नोन एज सोशियो कल्चरल थ्योरी। सो दिस पॉइंट हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय यू पीपल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा एग्जाम में, चाहे कंस्ट्रक्टिविस्ट लिख के आए तो भी कंफ्यूज मत होना, सोशियो कल्चरल लिख के आए तो भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, it is a learning theory that emphasizes the importance of social interaction and cultural context. जाहिर सी बात है, अब हम लोग समझ गए हैं कि ये जो थ्योरी है वो फोकस करती है आपकी दो चीजों के ऊपर। एक है आपका सोसाइटल इंटरेक्शन, कि बच्चा लोगों से बात कर करके सीखे, अपने आप ही उसको समझ आ जाएगी। दूसरा, अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देख के सीखे, उसको अपने आप ही समझ आ जाएगी। इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, आगे जब जाओगे ना तो इसमें आपकी लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा रोल आपको दिखाई देगा। ठीक है, वाइगोट्स्की आर्ग्यू दैट लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। जैसे हम लोग को कहा जाता है ना कि वी आर अ सोशल एनिमल, हम लोग अकेले सॉलिडारिटी में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाइगोट्स्की यही बात कहते हैं कि लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है, इट इज नॉट समथिंग टू बी कंडीशनड अपॉन, कि एक इंसान बस एक बच्चे को पढ़ाता चला जाए और कंडीशन करता चला जाए। बच्चा अपने आप सोसाइटी में जाके निकल के सीख सकता है। दैट अकर्स थ्रू इंटरैक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स। एक बच्चा जो बिल्कुल खाली स्लेट होता है, जैसे जॉन ड्यूई ने बताया था, वो अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में आता है, टीचर्स के कांटेक्ट में आता है, पीयर्स मतलब कि अपने हम उम्र बच्चों के कांटेक्ट में आता है, वो कई सारी बातें सीखता है। एंड इसमें से जो ऐसे आपके वर्ग होते हैं जैसे पेरेंट्स, टीचर्स, जो आपसे थोड़े से ज्यादा समझदार होते हैं, वो आपको गाइड भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। वाइगोट्स्की ने इसी थ्योरी के अंदर आउटलाइन किए हैं तीन मेन कॉन्सेप्ट। पहला है आपका कि कल्चर इज सिग्निफिकेंट इन लर्निंग, जो हम लोग समझ गए हैं। दूसरा, लैंग्वेज इज द रूट ऑफ कल्चर। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो भाषा है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग इंडियन कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो हमारी ये जो हिंदी भाषा है, हम लोग का जो लाइफस्टाइल है, वो एक दूसरे से तालमेल में बैठता है। मैं अगर आज अमेरिका चली जाऊं तो वहां का कल्चर कुछ और होगा, एंड वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग उनकी जो इंटरकनेक्टेड लैंग्वेज होगी वो अलग होगी, एंड वहां पे जाके मुझे ये सीखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, इंडिविजुअल्स लर्न एंड डेवलप्ड विद इन देयर रोल इन द कम्युनिटी। तो आपको समझ जाना है कि तीन चीजें आपकी यहाँ पे है, एक है आपकी सोसाइटी, एक है आपका कल्चर, तीसरा है आपका लैंग्वेज। ये तीन ही मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब
आपको लग रहा होगा कि भाई समझ लिया हम लोग की ये थ्योरी खत्म हो गई। अब इस थ्योरी के अंदर आते हैं कुछ की एलिमेंट्स जिनसे आपके बनते हैं क्वेश्चन। की एलिमेंट्स में सबसे पहला आपका एलिमेंट है सोशल इंटरेक्शन। आपको लग रहा होगा कि अरे मैम अब तो बार बार बातें रिपीट हो रही हैं, आगे आपके लिए दो ऐसे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला सोशल इंटरेक्शन की लर्निंग इज सीन एज अ सोशल प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद पीपल। हम लोग को ये कहा जाता है कि दुनियादारी भाई कमरे के अंदर बैठ के नहीं आती, दुनियादारी दुनिया में उतर के आप सीख सकते हो। तो आपको दुनिया के बारे में कुछ समझना है तो दुनिया में आपको उतरना पड़ेगा। वाइगोत्स्की एम्फसाइज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट इन शेपिंग द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको अगर आज से एक या दो साल पहले किसी ने कहा होता कि नेट में ऐसा होता है इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पेपर वन भी करना पड़ता है, पेपर टू भी करना पड़ता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप उसकी कंडीशनिंग या उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग इतना नहीं समझ पाते आप जितना आज प्रैक्टिकल करके समझ पा रहे हो कि भाई हालत हमारी खराब हो गई है। तो आपने उस पर्टिकुलर चीज से इंटरैक्ट किया, आपको आपकी लर्निंग खुद से हो गई। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिली होगी लेकिन उनको भी आज नेट के बारे में सब कुछ पता है। सो दिस इज हाउ यू इंटरैक्ट विद अ पर्टिकुलर थिंग एंड यू गेन नॉलेज। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपको अच्छा थोड़ी सी ऐसे भगवान वाली फीलिंग आ रही है कि मेरे पीछे ऐसा भगवान वाला चक्र बन चुका है, ठीक है। सो आई एम ब्लेसिंग यू ऑल स्टूडेंट्स कि आप सब लोगों को सब अच्छे से समझ में आ जाए एंड आपका नेट क्लियर हो जाए। फिलहाल के लिए आई एम गोइंग टू इनविजिबल माई सेल्फ, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये डायग्राम जिसमें आपको तीन गोले दिखाई दे रहे हैं। पहला जो गोला है हमारा ब्लैक कलर का बेटा, वो बताता है एक ऐसा गोला जिसमें लिखा हुआ है कि कैन डू इंडिपेंडेंटली। ऐसा गोला होता है जहां पे बच्चा कोई भी चीज बिना किसी की मदद के कर लेता है। दूसरा जो गोला होता है हमारा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि कैन डू इफ गाइडेड। उसके अंदर जो भी उसको काम या टास्क होते हैं वो तभी कर पाता है जब उसको थोड़ी सी गाइडेंस मिलती है, एंड गाइडेंस मिलती है वो उस काम को कर लेता है। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है वहां पे बताया गया है कि बच्चे को यहाँ पे मदद भी कर दो तब भी वो उस पर्टिकुलर काम को नहीं कर पाएगा। तो ये जो तीन चीजें हैं इसमें आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यहाँ है। ये जो डार्क ब्लू वाला आपका है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा कलर हल्का हो जाए तो आपको मदद हो जाएगी। ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ये डार्क ब्लू वाला, ये है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि आपको क्या कहता है अब हम लोग देख लेंगे कि इसके बारे में समझेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू द गैप बिटवीन द लर्नर, बिटवीन what a learner can do independently and what they can achieve with guidance and support from a more knowledgeable other. बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल आई विल गिव यू, आप तुरंत समझ जाओगे। छोटे बच्चे होते हैं उनको अ आ ई लिखवाया जाता है। अगर एक बच्चे से आप बोलो कि च की स्पेलिंग लिखो, मतलब च जो अल्फाबेट है आपका लेटर है उसको लिखो, तो इंडिपेंडेंटली बिना किसी की मदद के वो ये बना लेता है, ठीक है। लेकिन उसको थोड़ी सी आगे का च बनाने में किसी और की गाइडेंस अगर मिल जाए तो उसका ये पूरा बन जाता है। तो ये तो हो गया आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपके स्टूडेंट को एक ये बनाना डंडी, स्टैंडिंग डंडी उसको बनाने आती है, लेकिन इस मदद के साथ वो पूरा च बना लेगा। देन आपका एक और जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बाहर आ जाता है कि उसको अगर मदद भी की जाए तब भी वो ये नहीं बना पाएगा, ठीक है। मतलब कुछ हद तक उस टाइम पे नहीं बना पाएगा, ऐसा नहीं कि जीवन में ही नहीं बना पाएगा। तो ये होता है कि ये जो किसी की मदद मिलेगी वो तब भी नहीं बना पाएगा, उसको हाथ पकड़ के ही लिखवाना पड़ेगा। बट यहाँ पे कुछ चीजें इंडिपेंडेंटली कर लेगा एंड कुछ चीजें थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। तो ये जो जोन बीच में आ रहा है जहां पे वो कुछ काम इंडिपेंडेंटली कर ले रहा है एंड कुछ गाइडेंस की जरूरत है, इसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपकी जो गाइडेंस मिलती है उस बच्चे को एक्स्ट्रा किसी एक्सपर्ट इंसान से, अपनी मम्मी से, अपनी टीचर से, जो उससे ज्यादा जानते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस मदद करने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्कैफोल्डिंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगेन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ZPD आपका ये जो ब्लू वाला है ये आपका पूरा गोला है। इसके अंदर जब कोई आपका इंसान या कोई एक्सपर्ट पर्सन जो आपसे ज्यादा जानता है वो आपकी मदद कर रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग।
ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ये जोन हम लोग को समझ में आ गया है। वाइगोत्स्की ने आर्ग्यू किया है कि लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन अकर्स विद इन दिस जोन। आपकी लर्निंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब वो इस जोन में होती है, कि थोड़ा सा आता है, थोड़ी सी मदद मिल जाए, तो लर्निंग सबसे ज्यादा अच्छी आपकी इसी जोन के अंदर होती है, वेयर द लर्नर इज चैलेंज्ड कि भैया लिखो लिखो, लिखने की कोशिश करो, एंड देन थोड़ी सी गाइडेंस के साथ उसका वो काम बन जाता है। तो ZPD इसका शॉर्ट फॉर्म है। कभी भी नेट आपसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पूछेगा, कभी ZPD सीधा दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ZPD इज डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन व्हाटएवर अ लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस, बिना किसी की मदद के वो स्टैंडिंग लाइन अपनी बना ले रहा है, एंड व्हाट अ लर्नर कैन डू विद एडल्ट गाइडेंस और इन कोलैबोरेशन विद सम केपेबल पीयर्स। भाई बच्चे भी सिखा सकते हैं कि भैया ऐसी स्लीपिंग डंडी बनाओ और नीचे से ऐसे आधा गोला बना दो, तो बन गया तुम्हारा च, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कठिन ऑप्शन। अब हम लोग चलेंगे स्कैफोल्डिंग के ऊपर, जो आप लोग ने समझ लिया है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर जो गैप होता है, जहाँ पे बच्चे का दो स्टेप होता है कि एक चीज वो इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है एंड एक चीज जो मदद से कर पा रहा है, तो जो मदद वाला उसका कॉन्सेप्ट है, वहां पे जो उसकी मदद हो रही है, उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा स्कैफोल्डिंग। नथिंग ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है जो आपको परेशान करे, बस ये नए कॉन्सेप्ट होंगे तो शायद लग रहा होगा कि पहली बार सुना है, बट इसके बाद क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा। वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको ऑप्शन का बहुत ध्यान देना है। ऐसे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे जिसमें आपको लगेगा कि मेरा ZPD भी आंसर सही है और स्कैफोल्डिंग भी आंसर सही है, तो ऑप्शन में देखना दोनों एक साथ कभी भी नहीं होंगे, जो दोनों में से होगा उसको करेक्ट कर देना, ठीक है। This refers to the support and guidance provided by a more knowledgeable other to help the learner achieve task within the zone of proximal development. Zone of proximal development के अंदर जो support and guidance मिलती है, उसी को सीधी सी बात हम लोग scaffolding बोलते हैं। This level of support is gradually reduced as the learner gains competence. ये जो आपकी help होती है, भाई बच्चा जब छोटा होता है तब च नहीं लिख पाता है, क्या बड़ा होते होते भी वो कभी च नहीं लिख पाएगा, तो आपकी स्कैफोल्डिंग की जो असिस्टेंस होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। चलेंगे हम लोग अपने अगले एलिमेंट की टूवर्ड्स, जो बहुत ही इजी है, कल्चरल टूल्स। जैसे आपका सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कल्चर से आपका इंटरेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। आपको ये दुनिया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए व्हेन यू कनेक्ट विद द कल्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स। देन लास्ट पॉइंट है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज वाला पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया है, जो बहुत जरूरी है सोशल इंटरेक्शन के लिए। भाई बोलोगे ही नहीं तो दुनिया वालों से सीखोगे क्या, ठीक है। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस हो गए, इसी के साथ हमारी थ्योरी खत्म होती है। क्वेश्चंस देखो और जज करो कि ये थ्योरी समझ में आई कि नहीं। अगर आई तो कमेंट करना, नहीं आई तो भी कमेंट करना, ठीक है। Which learning theory provides support for active participation of learner in the learning process in an interactional setting with intrinsic motivation as the basis? बहुत ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा statement लिखा हुआ है कि वो कौन सी theory है जो इंसान के आपके learner की learning processes of interactional setting पे ज़्यादा ध्यान देती है, interaction करने पे, and उसका जो motivation होता है वो intrinsic होता है। इसका मतलब कि वो बच्चा अपने आप ही motivated है किसी बात को सीखने में, उसको कंडीशनिंग करने की जरूरत नहीं है। तो आपका यहां पे क्या थ्योरी बन जाएगी इसकी, ये। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ये भी देख लो कि मैंने आपको बताया कि स्किनर की थ्योरी बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, कोलर की थ्योरी बिहेवियरिज्म की थ्योरी है। SR थ्योरी को हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे, लेकिन SR थ्योरी भी आपकी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी आपकी बन जाती है, जो तीनों ही यहाँ पे काम नहीं करेंगे। काम करेगा आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, विच इज योर वाइगोत्स्की। भाई कॉन्सेप्ट पढ़ने के तुरंत बाद क्वेश्चन करो तो समझ में आता है, लेकिन एग्जाम में भी छाटने आना चाहिए आपको, ठीक है बेटा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर टू। A child who feels it difficult to do a task alone, एक बच्चा जो अकेले काम करने में अच्छा फील नहीं करता है, is able to do it better with the help of more skilled peers, adults, it is termed as। आपको बताना है कि जब बच्चा कुछ कर नहीं पाता है, उसको थोड़ी सी असिस्टेंस मिलती है, एक्सपर्ट सपोर्ट मिलता है, तो वो काम कर लेता है, तो ये क्या चीज है? अकोमोडेशन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, एसिमिलेशन है, या इक्विलिब्रियम है? आपको आपका आंसर मिल गया होगा, विच इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सॉरी, चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिलेटेड टू एजुकेशनल कम्युनिकेशन वॉज डेवलप्ड बाय, बहुत ही सीधा सा आपका आंसर है, लेव वाइगोत्स्की। अभी सीधा लग रहा है आपको, लेकिन लर्न करके जाना पड़ेगा कि अचानक से सारी थ्योरीज के बीच में आए तो मैं इतनी ही तेजी से इसको क्लिक कर लूं।
Then question number 4, which of the following indicates the zone of proximal development as suggested by the psychologist Lev Vygotsky? इसमें से कौन सा आपको ZPD दिखाता है? A learner's brain develops faster than childhood? बिल्कुल भी नहीं. A learner, A learner learns effectively when it is supported with real life examples. देखो यहां तक तो मुझे लग रहा था हाँ 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 मुझे आंसर मिल गया, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, real life examples. हम लोग ने पढ़ा कि सपोर्ट की जरूरत उसको होती है और लर्न करता है इफेक्टिवली जब उसको गाइड किया जाए. क्या हम लोग ने एक बार भी कहीं पे पढ़ा कि उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल ही दोगे तभी वो सही बैठेगा? ध्यान देना बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपको अचानक से लेंगे कि हाँ हाँ सपोर्ट करता है, मैंने तो ये पढ़ा था, एंड आप ओवरवेल्म हो गए, इसको सही करके आओगे, पर आगे भी पढ़ना ठीक है. What a learner can do with help or without help. ये बिल्कुल सही बैठ रहा है ZPD की definition, जहाँ पे आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि एक चीज जो वो independently कर सकता है, दूसरी चीज जो किसी की help से कर सकता है, तो हमारा answer बन जाएगा आपका point number 3. I hope मेरी strategies, मेरी approach, मेरे keywords आपको बहुत मदद कर रहे होंगे ठीक है. A teacher begins to work together by giving cues. आपकी teacher काम करती है आपके साथ, आपको cues, hints, prompts देती है with a student who is unable to understand a concept. अगर आप लोग को याद हो, हम लोग ने teaching में एक ऐसा concept पढ़ा है brainstorming and probing का, तो ये जो चीज होती है, I was able to remind myself, थोड़ा सा connect करते हुए चलते हैं तो अच्छा होता है. probing का concept था जहाँ पे teacher आपको आपके thoughts को बाहर निकालने की कोशिश करता है, elaborate करने की कोशिश करता है. तो ये जो process है आपका क्या बैठेगा? अब आप ZPD ढूंढो इसमें से, या फिर आप इसमें से क्या ढूंढो, स्कैफोल्डिंग, दोनों में से एक आपका आंसर बन जाएगा ठीक है. क्लियर होगा सारे बच्चों को, इजी लग रहा होगा, तुरंत समझ में आ रहा होगा. इन द व्यूज ऑफ लेव वाइगोत्स्की, कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज. कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, कहने का मतलब बुद्धि डेवलप होगी तभी लैंग्वेज डेवलप होगी. लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो आप ऐसे क्वेश्चन जब समझ में ना आए कि यार कॉग्निटिव और लैंग्वेज के बीच में तो हमने कनेक्शन पढ़ा ही नहीं, तो आपको देखना है कि लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में कौन से तीन एलिमेंट्स मैंने बताया इंपॉर्टेंट है. एक तो आपका सोसाइटी था, एक आपका कल्चर था, दूसरा था आपका लैंग्वेज. तो यहाँ पे बताया कि लैंग्वेज फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप बोलना शुरू करते हो उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज को यूज करके अपनी बुद्धि को विकसित करते हो ठीक है. देन गिविंग क्यूज एंड ऑफरिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ वेरी इजी स्कैफोल्डिंग का ये आंसर है. जब बच्चे को आप क्यूज दे रहे हो, प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो ये आपका स्कैफोल्डिंग बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की थ्योरी मेनली फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग. ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटरी ऑन डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं. द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाई वहां पे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लैंग्वेज से कन्वर्ट, लैंग्वेज से कंपेयर किया था, एंड यहाँ पे कल्चरल टूल्स वाली बात की है. एंड मुझे मेरे कीवर्ड्स पे ही ध्यान देना है, मैंने हेरिडिटरी नहीं पढ़ा, मैंने इकोलॉजिकल नहीं पढ़ा, मैंने एट्रीब्यूशन पैटर्न एंड मोटिवेशन नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा कल्चरल टूल्स वाला कॉन्सेप्ट, तो मैं इसी को ही सही करके आ जाऊंगी ठीक है. एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड. बहुत ही अच्छी हमारी ये थ्योरी थी, आई होप आपको समझ में आई भी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करना. एंड यस्टरडे आई वाज सीइंग कि इतने सारे बच्चे लाइव हैं एंड उसके बाद भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो भाई साथ में रहते रहते लाइक करते चला करो, कंजूसी इतनी अच्छी नहीं होती है. देन आपको शेयर भी करना है पूरा वीडियो देखने के बाद कि मेरे दोस्त का भी फायदा हो. एंड आप लोग इस वीडियोस के बारे में जो भी फील करते हो फीडबैक के जरिए आप दे सकते हो. एंड इफ यू आर लाइकिंग द वाइब ऑफ माई चैनल देन डू सब्सक्राइब टू इट एंड ऑल्सो रिकमेंड दिस टू योर फ्रेंड. तो मिलेंगे हम लोग कल फिर से एक और नई थ्योरी, एक नए कॉन्सेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ. अपनी पढ़ाई को मेरे अकॉर्डिंग अलाइन करके चलिए एंड मुझको भी पीछे छोड़ दीजिए, क्वेश्चंस लगाइए बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से. आप लोग तैयारी करिए कि एक दिन या फिर कुछ ही आपके नेट के एग्जाम नए नए टीचर्स हमारे निकल के आ जाए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ask for your problems and seek solutions from me. I will always be there to help you. And yeah, with that, I'm going to meet you up next in yet another wonderful video. Bye.